इस किले में महल हैं, दरबार हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं राइड पे जा रहा हूँ एक ऐसे फोर्ट पे जहाँ पे बोलते हैं कि अरबों का खजाना छुपा हुआ है, और साथ में उस जगह पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। तो बस मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग वहीं का बनाते हैं। और मौसम धूप ही है आज, नहीं तो एक दो दिन पहले काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे। लग जा भाई, लग जा। टाइम हो रखा है 10:56, 11 बज गए निकलते निकलते घर से। चलो चलते हैं। एक्चुअली ये जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया वो मेरे घर से कम 6-7 किलोमीटर दूर इस जगह। ये नीचे रोड जा रहा है, स्टेट हाईवे है, इससे मिल जाऊँगा और इसी रोड पे मैं फिर आगे बढ़ूँगा। इस जगह का नाम है चूला। तो आज 16 सितंबर है और आज हमारे यहाँ पे सैर का त्यौहार है। जो उत्तर भारत के मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सैर के त्यौहार का पता होगा, जो दक्षिण भारत के हैं शायद उनको पता ना हो। तो मैंने अभी बताया आपको कि मैं एक ऐसे फोर्ट पे जा रहा हूँ जहाँ पे अरबों का खजाना छुपा हुआ है, शायद आज मुझे मिल ही जाए। जा ही रहा हूँ इस मिल सकता है क्या, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। वो आज तक किसी को नहीं मिला, वो मुझे क्या मिलेगा, है ना। ज़्यादा दूर नहीं है, आप अगर यहाँ से देखा जाए तो 12 किलोमीटर के आसपास होगा मेरे ख्याल से मेरी डेस्टिनेशन जो है आज की। और धूप अच्छी निकली हुई है आज, और धूप होनी चाहिए। जिस दिन ब्लॉग बनाने जा रहे हैं ना, बारिश हो, लास्ट ब्लॉग में देखो बारिश देखी होगी आपने, लास्ट ब्लॉग में गया था तो बारिश हो गई थी वहाँ पे। तो फिर वो व्यू जो कैप्चर होते हैं वो उतने लाइट उतनी अच्छी तरह आती नहीं है वीडियोज़ में ना, इसलिए बोल रहा था कि धूप हो तो ठीक है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग अभी गेस कर पाए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर किसी ने गेस कर लिया है जितनी अभी तक की वीडियो देखी है उसमें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये ब्रिज पता नहीं कब बन के रेडी होगा, देख लो कब का काम चला हुआ है। बहुत ही साल हो गए इसको चले हुए काम को, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे को तो लग रहा है ये तो कांड ही हो जाएगा इधर, बस गिरे ना, बस भी आ रही है। अच्छा, आज मेरे साथ मेरी राइड पे मेरा छोटा भाई है और मेरा नेफ्यू, दोनों आ रखे हैं, वो स्कूटी में आ रहे हैं पीछे। मैंने बोला भाई चलो साथ में, तो आ गए वो भी। अच्छा है ना, गपशप मारने के लिए कोई तो होगा साथ में। मैक्सिमम राइड मैं सोलो ही करता हूँ, तो बस ऐसे जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, आ जाता हूँ। आलमपुर 4 किलोमीटर है और आलमपुर के ब्यास नदी के उस पार है सुजानपुर। सो गाइस मैं बता ही देता हूँ आपको, मेरे से रहा नहीं जा रहा बताने के बिना, तो बता ही देता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ सुजानपुर घूमने के लिए। और सुजानपुर में मैं कवर करने वाला हूँ सुजानपुर का किला और गौरी शंकर मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर, वहाँ पे और भी मंदिर है उनको भी मैं कवर करूँगा इस ब्लॉग में। ये बस आलमपुर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जहाज का ना एक पता नहीं शोरूम टाइप का छोटा सा और सर्विस वर्कशॉप भी है, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ होता होगा, छोटी मोटी कर देते होंगे सर्विस से, नहीं पता। उसके बाद मैं सीधा हमीरपुर में जाके मिलेगा आपको, और ऊपर की तरफ जाओगे तो पालनपुर में मिलेगा ठाकुर द्वारा में। ये है बजाज का, मैंने बताया ना। आज छुट्टी है ना, रोड पे यार ट्रैफिक नहीं है। ये आ गया ठाकुर द्वारा, जगह का नाम, दो ठाकुर द्वारा हैं, एक पालनपुर के पास में मारंडा के पहले है ठाकुर द्वारा, और एक ठाकुर द्वारा ही आ गया। यहाँ पे भी मंदिर है यार, पेट्रोल पंप दिखा है बट पेट्रोल है अपने पास में, आते टाइम देखेंगे। आज शायद फोर्ट घूमने कोई ना आए, हो सकता है पब्लिक आए, छुट्टी है तो दो चीज़ें हो सकती है, बिकॉज त्यौहार है ना। अगर त्यौहार है तो सब अपने अपने घर में रहेंगे, हमारी तरह थोड़ी है कि चलो घूम के आते हैं। अच्छा, आलमपुर ये है, तो जो जंगल के बाद आया ठाकुर द्वारा, ठाकुर द्वारा के बाद आया अब ये आलमपुर, और इसके बाद एक पुल आएगा फिर आ जाएगा सुजानपुर। ब्यास नदी को हम क्रॉस करेंगे, हाँ अभी हम क्रॉस करने वाले हैं सुजानपुर का पुल, और ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। ब्यास नदी जो है ना ये निकलती है रोहतांग पास के दक्षिण में से, और उसके बाद कुल्लू से होते हुए मंडी, मंडी से होते हुए ये करती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रवेश संधोल के पास में है, और यहाँ से निकल के ये फिर पंजाब में चली जाती है, और वहाँ पे
कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में वो सतलुज नदी से मिल जाती है, फिर वहाँ से पाकिस्तान में जाके निकल जाती है। तो ये देख लो भाई, अभी भी पानी बहुत ज़्यादा है। ओ क्या हाल है, छोटू देख रहा है मेरी तरफ। तो ये बंद चला गया रोड संधोल की तरफ, मेरे लेफ्ट साइड से ना, मेरे को जाना है राइट। पहले हम जाएंगे फोर्ट, फोर्ट जो है सुजानपुर का, फोर्ट जो है वो सुजानपुर की मार्केट से 4 किलोमीटर है ऊपर जाके। यहाँ बरसात के दिनों में पानी गिरता है, वाटरफॉल होता है, एक सूख गया मेरे को लगता है। ओहो ब्यास रिवर को आते टाइम देखें, पानी अभी भी उसका ना मिट्टी के रंग का ही है। रुक जाते हैं इधर, ब्यास नदी के नज़ारे ले लेते हैं थोड़े से, रुकना बनता है यहाँ पे भाई साहब। ये है भाई ब्यास नदी का जो पुल है ना, बहुत ऊंचा पुल है भी। यहाँ से कोई छूटेगा ना, यहाँ से सीधा नदी में चला जाएगा नीचे। ये था ये ब्यास नदी का दृश्य जो आपने अभी देखा। और अब जा रहे हैं हम फोर्ट की तरफ, हमें बस स्टैंड से होके जाना होगा। ये है सुजानपुर का बस स्टैंड, और यहाँ से आपको ना स्टेट के हर हिस्से के लिए बस मिल जाएगी। ये जो है हमीरपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और यहाँ से होगा फोर्ट के लिए रास्ता। इसके जो पड़ोसी सिटीज़ अगर देखी जाए सुजानपुर की, तो है पालमपुर है, हमीरपुर है, धर्मशाला है, जोगिंदर नगर है, सब पड़ोसी सिटीज़ हैं सुजानपुर की। ठंडा मौसम होने लगा है, सितंबर का मंथ है, अक्टूबर में तो यहाँ अच्छी खासी ठंड हो जाती है सुबह शाम, दिन में नहीं। और फिर नवंबर में भी वैसे रहता है, दिसंबर में ठंडी रहती है काफ़ी ज़्यादा, जैन फेब तक फिर ठंड रहती है, मार्च जैसे आते आते फिर यहाँ मौसम हल्का सा गर्म होने लगता है। सुजानपुर जो है समुंदर तल से 1844 फीट की ऊंचाई पे है, फोर्ट दिखने लगा भाई। इधर कहीं रुकना होगा मुझे फोर्ट के, मोड़ के आसपास से, इधर मोड़ है ना वहाँ से रास्ता ऊपर, अच्छा ये है रास्ता। चलो खड़ी कर दी। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सुजानपुर के किले पे, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं वो आपको चढ़ के जाएंगे तो आप फोर्ट के दरवाजे पे पहुँच जाएंगे जाके सीधा। तो चलते हैं भाई किले के अंदर, खंडहर ही बचे हैं, बाकी तो 1905 के भूकंप में ना ये नष्ट हो गया था, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा। बोलते हैं कि इस किले को राजा अभिचंद जी ने बनाया था, और उस टाइम शुरुआत के दिनों में ये उनका मिलिट्री स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया था। इस किले में महल हैं, दरबार हैं और मंदिर हैं। ये सबसे बड़ा हाल है इस किले का, ये देखो यहाँ पे राजा संसार चंद जी का दरबार लगता है। और यहाँ से ना देखो चौगान पूरा दिख रहा है नीचे, जो महाराजा संसार चंद जी और महाराजा रणजीत सिंह जी की ज्वालामुखी जो संधि हुई थी ना, उसके बाद में उन्होंने अपनी राजधानी ब्यास नदी के इस पार जो शिफ्ट की थी सुजानपुर में, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चौगान का, ये जो दिख रहा है, इस चौगान का निर्माण करवाया था, और जहाँ पर वो अपने सैनिकों को वो ट्रेनिंग देते थे। तो ये है,
चलते हैं आगे, और मंदिर भी हैं यहाँ पे, वो भी देखेंगे चल के। गौरी शंकर मंदिर भी है जो महाराजा संसार चंद जी ने अपने माँ की पवित्र स्मृति में बनाया था, 1793 में बनाया था वो। चलो भाई, ये सारा नुकसान इसको हुआ है 1905 के भूकंप में। ये देखो भाई, ये ऐसे कमरे थे। हम बोलते हैं कि एक खजाना है, और वो खजाना कहाँ है ये आज तक कोई पता नहीं लगा सका। बिकॉज जो राजा संसार चंद जो लूट का माल लेके आते हैं ना, वो कहीं इधर छुपाते थे, और वो सारा खजाना जो था वो राजा संसार चंद जी को ही पता था कि कहाँ उन्होंने रखा है, इस किले में कहीं छुपा रखा है, वो आज तक किसी को नहीं मिला है। तो भाई ये है, और उस खजाने की वजह से ना इस किले को हमीरपुर का बोलते हैं, हमीरपुर का खजानची किला भी बोलते हैं। सही है, देखने लायक है भाई प्लेस, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। भले इसकी स्थिति आज ऐसी है, बट हमें कुछ तो चलता है ना पता कि उस टाइम हमारे राजा महाराजा देखो कैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया था। ये सुबह ये है गौरी शंकर जी का मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी की यहाँ पे प्रतिमाएं मूर्ति हैं अंदर। चलो भाई, नज़ारे मैंने आपको दिखा दिए, और आई होप आपको ये नज़ारे पसंद भी आ रहे होंगे। चलते हैं नीचे। सो गाइस, ये था सुजानपुर फोर्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलूँगा आप सभी को सुजानपुर सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ़।